One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. चलो सुनिए धर्मेंद्र जी, आपकी पार्टी अगर रजिस्टर्ड है तो आपको ये भी फॉर्म देने होंगे, रजिस्टर्ड है ये फॉर्म भी मंत्री साहब ने नहीं लगाया, कौन सा फॉर्म है फॉर्म भी लगाओ, ये भी फॉर्म का नोटिस बहुत होशियार है ना फॉर्म संसद के निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा में एक स्थान लाने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ, इसकी शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण रखूंगा। पाटिल जी, लोकसभा चुनाव के अंदर आपने नामांकन कर दिया है, अपना चीर प्रतिद्वंदी किसको देख रहे हैं? यहाँ फाइट बीजेपी मान रहे हैं। अगर बात करें 2009 के लोकसभा चुनाव की तो उसमें सपा तीसरे नंबर पर रही थी, तो इस बार क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर जो आम जनता है वो सपा को चुने? यहाँ चुनावी मुद्दे विकास, हमारी सरकार ने दो साल में काम हुआ है उसमें इस प्रदेश का कोई वर्ग अछूता नहीं है जिसके लिए काम करें, चाहे किसान है, नौजवान है, बेरोजगार है, छात्र है, बेटियां हैं, तमाम व्यापारी है, जितने भी लोग इस प्रदेश में रहते हैं सबके लिए, चाहे लैपटॉप बांटने का काम है, टेबलेट बांटने का काम है, साइकिल बांटने का काम है, बेटियों को पंजाबी ज्यादा दिया है, बेटियों को हमारी बेटी उसका कल योजना में कैसे मिलते हैं, पढ़ो बेटी पढ़ो, ये तो आपकी सरकार के मुद्दे हैं, आपके क्या मुद्दे रहेंगे? विकास की बात सारी पार्टियां कर रही हैं, किस गलत क्या? हमारा मुद्दा विकास रहेगा, विकास हुआ भी है। यहाँ इस नोएडा क्षेत्र में मेट्रो लाने का काम माननीय नरेंद्र सिंह जी ने किया था, पिछली 5 साल की गवर्नमेंट में वो वहीं खड़ी रही जहां हमने छोड़ दी थी, अब उसको घुमा के बोराकी से निकाल के परिचौक से वापस ले जाने का काम हमारी गवर्नमेंट कर रही है। 6,000 करोड़ रुपए उसका खर्च होना है जो अगले 3 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगी, उसकी एनओसी सब कुछ। भाटी जी, आप उसके बाद एक आईएएस लॉबी आपसे नाराज है, खत्म हो चुकी कहाँ है भाटी जी, आम जनता की हमसे मिलने जाते हैं ना कुछ होता है, तो इसमें क्या कहना आपका? ऐसा है, हम तो हार के बाद भी अगले दिन सुबह 9 बजे छुट्टी जाते हैं, आप जीतने वालों से पूछ रहे हैं भाटी जी, सबसे वालों की जीतने वालों से पूछना, आम जनता की लेकिन शिकायत रहती है कि नहीं पहुंचता कोई भी? नहीं, हम लोग ऐसा है, जो लोग व्यापारी राजनीति में घुस गए और जो दूसरे पेशे से जुड़े लोग राजनीति में आ गए हैं उनके साथ ये शिकायत है, और जिनका 24 घंटे का काम ही राजनीति करना है उनके यहाँ ये शिकायत नहीं मिलती है, वो निरंतर डेली सुबह 9 बजे उन्हें बैठना है, कोई मिलने वाला आए या ना आए तब भी बैठना है उनको 2 घंटे 3 घंटे, और जिन लोगों का व्यापार है, जिन लोगों के बड़े काम हैं, जिन लोगों के मतलब धंधे 2 नंबर के हैं, वो अपनी खाल बचाने को राजनीति में आ गए हैं, जैसे बीजेपी का कैंडिडेट, जैसे कांग्रेस का कैंडिडेट, कोई तेल का व्यापारी है, कोई खून का व्यापारी है, अब वो अपने व्यापार बचाने के लिए जो राजनीति का नाटक कर रहे हैं उन्हें ये दिक्कत आ रही है, उन्हें अपना काम करना पड़ता है, अपने काम को नहीं छोड़ पाते, मुझे क्या करना है, मुझे तो यही काम करना पड़ता है। पंडित जी, सबसे बड़ा जो मुद्दा है गौतम नगर में किसानों का है, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, किसानों के लिए क्या होगा इस सरकार में? किसानों के लिए जो गवर्नमेंट स्तर की सुविधाएं हैं वो सारी किसानों को मिलेंगी, चाहे आबादी का मुद्दा है, चाहे आबादी नियमावली है, चाहे 64% है, चाहे और जो मुद्दे प्राइवेट बिल्डरों के हैं, उसमें हमारी गवर्नमेंट सजग है, हम लोगों का प्रयास रहेगा किसानों को संतुष्ट किया जाए, किसानों को
सारी चीजें हमारी सरकार किसान विरोधी नहीं है, किसान के पक्षधर है और किसान के पक्ष में निर्णय जी। बीजेपी लोकसभा प्रणाली का कहना था कि पूरे देश में मोदी की लहर है, यहाँ पे भी यही रहेगी और उनका कहना था कि जो भी प्रत्याशी गौतम सबकी जमानत ऐसा है। मोदी की लहर अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन ही तो बची, अभी पता चल जाएगी। यहाँ कोई वर्ग ऐसा नहीं है इस गौतम बुद्ध नगर का, चाहे वैश्य वर्ग है, चाहे ब्राह्मण वर्ग है, चाहे ठाकुर समुदाय है, जाट चौधरी साहिबान है, यादव साहिबान है, गुजर साहिबान है, मुस्लिम भाई है, चाहे और अदर बैकवर्ड कास्ट है। 17 जातियों को जो हमने लाभ दिया है वो सारी 17 जातियां हैं, तमाम का समर्थन समाजवादी पार्टी को है। यहाँ चुनाव में कोई ठहरने वाला नहीं है या मोदी की लहर लहर दूर दूर तक नहीं है। यहाँ विकास के नाम पे वहाँ सरकार के कार्यम है, सरकार के सबको बताए कि सांप्रदायिक पार्टी है, सांप्रदायिकता फैलाने का काम करती है। पहले 5 साल देख चुके हैं, पहली गवर्नमेंट में माननीय अटल जी ने, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा की थी और ये कहा था कि हम धारा 370 खत्म करेंगे, कश्मीर से मंदिर अयोध्या हम बना देंगे। ना बनाया मंदिर ना धारा 370 खत्म की। तो ऐसे झूठे लोगों की पार्टी है जो कोई ठगने का काम करते हैं, अब जनता ठगने में आने वाले नहीं। इसकी बात नहीं, हम पक्षधर, हम हिंदू नहीं है, हम भी हिंदू हैं, हम भी मंदिर को मानते हैं, लेकिन कहीं भी अनडिस्प्यूटेड जगह पे हम ये राय नहीं देते, न हिंदू को न मुसलमान को। इबादत करना भी वो ऊपर वाले को मंजूर नहीं है, अनडिस्प्यूटेड मानते नेताजी पे सरकार बनाएंगे। हमारा हिंदुस्तान में तीसरे मोर्चे में सबसे बड़ा दल आएगा, सबसे ज्यादा एमपी हमारे जीत के आएंगे, ये तय है। तीसरे मोर्चे में जिसके ज्यादा एमपी होंगे उसी का प्रधानमंत्री का।